यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जिसके बारे में दुनिया का बच्चा बच्चा तक जानता है। अगर आप में कुछ बात है तो आप यूट्यूब पर रातों रात स्टार बन सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर कईयों ने अपनी प्रतिभा की बदौलत नाम और पैसा दोनों कमाया है, पर आज हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं उसने बहुत ही कम समय में अपनी क्रिएटिविटी के दम पर यूट्यूब के साथ साथ बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर भी तहलका मचा अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। आज हम बात करने वाले हैं भुवन बाम की, जिन्हें दुनिया उनके यूट्यूब चैनल बीवी की वाइंस की वजह से जानती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो शुरू हो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव इंस्टेंट नोटिफिकेशंस फ्रॉम फिल्मी कॉफी। भुवन का जन्म 22 जनवरी 1995 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। हालांकि बाद में वो अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रीनफील्ड स्कूल्स नई दिल्ली से की। पढ़ाई में तो उनका मन कभी नहीं लगा, लेकिन क्लास में वो लोगों का खूब मनोरंजन किया करते थे। उनका मन किताबों के बजाय म्यूजिक और कॉमेडी पर ज्यादा लगता था, पर किसी भी तरह उन्होंने 10वीं पास कर ली। वैसे भुवन पहले से ही सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन इंडिया में हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि लड़का कम से कम ग्रेजुएशन पूरी कर ले, भले ही उसके बाद वो अपने पैशन को फॉलो करे। इसी मानसिकता के साथ भुवन के परिवार वाले भी चाहते थे कि भुवन पहले पढ़ाई करें और फिर वो अपने पैशन की तरफ ध्यान दें। और भुवन ने भी उनका मन रखने के लिए 10th के बाद कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। पर बात तो ये थी कि उनका मन पढ़ाई में तो कभी लगा ही नहीं, मसलन वो अपनी बाकी हॉबीज के और ज्यादा करीब आते चले गए। यही वजह रही कि इंटरमीडिएट के एग्जाम में उनके मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए, जिससे उनके पेरेंट्स उन्हें कॉमर्स को जारी रखने के लिए फोर्स नहीं कर पाए। और उन्होंने DU के शहीद भगत सिंह कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स सब्जेक्ट लेकर अपने पैशन म्यूजिक पर काम करना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई के साथ साथ पास के ही रेस्टोरेंट्स में शाम को सिंगिंग करने लगे, जो उन्होंने तकरीबन 2 सालों तक जारी रखा। रेस्टोरेंट्स में इतने समय तक गाते रहने की वजह से उनके सिंगिंग में बहुत निखार आया। इस दरमियान उन्होंने अपनी गिटार प्लेइंग पर भी काम किया और घर वालों का सपोर्ट न होने की वजह से यूट्यूब से ही गिटार सीखना जारी रखा। साथ ही उन्होंने अमेरिकी गिटार प्लेयर जॉन मेयर को अपना आदर्श भी बना लिया। इस दरमियान उन्होंने खुद एक गाना लिखा और उसे रिकॉर्ड कर सोशल साइट्स पर अपलोड कर दिया, जो देखते देखते कुछ दिनों के अंदर ही वायरल हो गया। ये गाना फॉक्सस्टार स्टूडियो जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस को काफी पसंद आया और फॉक्सस्टार स्टूडियो ने उनको कॉल कर एक फिल्म के लिए गाने लिखने को कहा। फिर भुवन ने 2 गाने बनाए और फॉक्सस्टार स्टूडियो को दिखाए, पर फॉक्सस्टार स्टूडियो को उनके ये गाने पसंद नहीं आए। तब भुवन ने घर के ऊपर एक खाली कमरे में दिन रात एक कर लगातार 10 दिनों तक काम किया और 7 नए गाने बना डाले, पर फॉक्सस्टार स्टूडियो ने इन गानों को भी खारिज कर दिया। उन्हें इस रिजेक्शन से काफी धक्का पहुंचा और उन्होंने कभी भी किसी के लिए भी फ्री में काम न करने की ठान ली। उन्हीं दिनों जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया हुआ था, जिसकी भारतीय मीडिया की कवरेज भुवन को काफी असंवेदनशील लगी। इस घटना पर उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी पहली वीडियो बनाई और उसे अपने पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो पर फीडबैक कोई बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन भुवन ने वीडियोस बनाना जारी रखा। उन्होंने इसी तरह की 4 वीडियोस का एक सेट बना अपलोड कर दिया। उन्हें उनकी 4थी वीडियो पर 15 लाइक्स मिले, जिससे उत्साहित होकर उन्होंने कई और वीडियोस बना डाले। तभी उन्हें किसी दोस्त ने बताया कि वीडियोस को फेसबुक की जगह यूट्यूब पर अपलोड करना बेहतर रहेगा, इससे पर्सनल प्रोफाइल भी इफेक्ट नहीं होगी और यूट्यूब से कमाई भी हो जाएगी। फिर भुवन ने अपने नेक्सस फोन से एक वीडियो बनाया और यूट्यूब पर बीवी की वाइंस चैनल बनाकर उसे अपलोड कर दिया। ये वीडियो कुछ हफ्तों में ही 50,000 से ज्यादा व्यूज बटोर गया। जब उन्होंने कमेंट सेक्शन चेक किया तो पता चला कि ये वीडियो पाकिस्तान के किसी कॉलेज में वायरल हो गई है। उसी दिन फेसबुक पर उनके 30,000 फॉलोअर्स भी हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके वीडियोस को इतनी बड़ी सफलता इतने कम टाइम में कैसे मिल रही है। खैर, इतने बम्पर व्यूज और तेजी से बढ़ रही फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये तो जरूर एहसास दिला दिया कि जो वो कर रहे हैं वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए उन्होंने नए वीडियोस बनाना जारी रखा। देखते देखते उनके वीडियोस को इतना पसंद किया जाने लगा कि एक ही दिन में उन्हें 10-10 लाख व्यूज मिलने लगे और 29 जनवरी 2017 को उनका यूट्यूब चैनल 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार कर गया, जिससे उन्हें ऐसा करने वाले भारत के पहले इंडिविजुअल यूट्यूबर बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। भुवन बाम अपने यूट्यूब वीडियोज में सारे 15 कैरेक्टर्स खुद ही प्ले करते हैं, जिसमें बंछोर दास, दादाजी, समीर और होला सबसे मशहूर कैरेक्टर्स हैं। भुवन हमेशा अपने वीडियोज की ओरिजिनलिटी, क्वालिटी और क्रिएटिविटी का पूरा ख्याल रखते हैं। वो आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग और शूटिंग से लेकर एडिटिंग तक सब खुद करते हैं और यही कहीं ना कहीं उनकी जबरदस्त सफलता की असली वजह भी है। आज यूट्यूब पर उनके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी वीडियोस पर 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज। उनकी कॉमेडी की वजह से भले ही उन्हें अपार सफलता मिल चुकी हो, लेकिन वो अपने आप को एक कॉमेडियन नहीं मानते और वो आगे चलकर अपने आप को एक सिंगर सॉन्ग राइटर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने अब तक तेरी मेरी कहानी और संग हूं तेरे नाम के 2 सिंगल्स भी रिलीज किए और दोनों ही बड़े हिट्स भी साबित हुए, और ऐसा लगता नहीं कि उनका हाल फिलहाल रुकने का कोई इरादा भी है। क्या आप भी भुवन बाम के फैन हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको भुवन बाम क्यों पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
We'll soon come back with another journey of a star. Please subscribe to our channel and share this video with your friends.